बीते कई महीनों से दहेगांव प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत कार्य कर रही आशा वर्कर अपने ही समूह प्रवर्तक के रवैये से परेशान होकर थी। समूह प्रवर्तक की लिखित शिकायत संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को करने के बावजूद समूह प्रवर्तक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से यह आशा प्रवर्तक मानसिक तनाव में काम कर रही थी। रोजाना होने वाली परेशानी से लगातार आशा वर्कर तथा यहाँ के स्थानीय अधिकारी समूह प्रवर्तक के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने की वजह से यहाँ के पीड़ित आशा वर्कर ने नागपुर जिले के पालक मंत्री नितिन राउत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला आरोग्य अधिकारी, जिला अधिकारी और अन्य विभागों में समूह प्रवर्तक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की थी। फिर भी समूह प्रवर्तक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से परेशान हुए आशा वर्करों ने समूह प्रवर्तक का यहां से तुरंत तबादला किया जाए, जो आशा वर्करों को इस समूह प्रवर्तक से होने वाली परेशानी से निजात मिल सके और अपने कार्य सुचारू रूप से कर सके। इसलिए 24 मार्च को पार्चुनी के गांधी चौक में भूख हड़ताल कर अनशन पर बैठी थी। अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठी महिलाएं गट प्रवर्तक के रवैये से मानसिक तनाव का सामना कर रही थी, जो जानलेवा भी साबित हो सकता था। अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ दर बदर भटक रही आशा वर्कर महिलाएं न्याय नहीं मिलने से आखिरकार काम बंद कर अनशन पर बैठी थी। आशा वर्कर की मांग जायज होने से और कोरोना काल में आशा वर्कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, जो अनशन पर बैठने से आरोग्य विभाग के लिए यह चिंता का विषय था। जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को सुबह आरोग्य विभाग के अधिकारियों के साथ अनशन स्थल पर जाकर अनशनकारी आशा वर्करों की समस्याएं सुनी, जो वाजिब थी, जो उसे दूर करना बहुत जरूरी था। इसलिए आशा वर्करों द्वारा की जा रही मांग सही होने से तुरंत यहाँ के समूह प्रवर्तक का तबादला 10 दिन के भीतर करने का आश्वासन अध्यक्षा द्वारा दिया गया। BCN न्यूज के लिए पारशिवनी से रूपेश खंडारे की रिपोर्ट। We'll be right back.